press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello guys, welcome to my YouTube channel Zypha Classes. Today we are going to discuss about the aerial stem, aerial shoots, जिसके हम लोगों ने टॉपिक प्रीवियस वीडियो में रिकवर किए थे. नेचुरल मेथड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पार्ट था. ठीक है, एरियल स्टेम, जो कि आप लोग ये फिगर देख रहे होंगे, दिस इज़ द अपुंचिया. ठीक है, आप लोगों ने ये प्लांट देखा होगा. ठीक है, तो इसको अपुंचिया बोलते हैं. दे ऑकर इन अपुंचिया एंड सम ऑफ अदर प्लांट विच कैन फॉर्म न्यू प्लांट्स. ठीक है, कुछ दूसरे भी प्लांट होते हैं जो कि स्टेम और शूट से भी निकलते हैं. एग्जाम्पल इसका शुगर केन का भी है. शुगर केन इज प्रोपेगेट बाई प्लांटिंग सेगमेंट्स ऑफ स्टेम हैविंग एट लीस्ट वन नोड्स. ठीक है, नोट्स के बारे में हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, और नहीं पढ़ा है तो नेक्स्ट टाइम हम लोग नोट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि नोट्स क्या होता है. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखें, अपुंचिया एंड शुगर केन में एरियल स्टेम, एरियल शूट्स में देखने के लिए. मेथड का नेक्स्ट टॉपिक है लीव्स. लीव से किस तरीके से नेक्स्ट जनरेशन आती है. ठीक है, ब्रायोफाइलम. ब्रायोफाइलम में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा तो एडिटम एंड कॉडेटम इज कॉल्ड वॉकिंग फर्न बिकॉज इट्स लीव टिप फॉर्म न्यू प्लांट्स व्हेन दे कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सॉइल. ठीक है, जब उसकी एक लीव सॉइल्स के कॉन्टैक्ट में आती है तो जाके वो एक नया प्लांट फॉर्म करती है. इसीलिए इसको हम लोग वॉकिंग फर्न्स भी बोलते हैं. एडिएंटम और कॉन्डेंटम को हम लोग वॉकिंग फर्न्स भी बोलते हैं, क्योंकि सॉइल्स में उसके जैसे ही कॉन्टैक्ट में आती है वो लीव, वहीं से अपना एक न्यू प्लांट निकालना चालू कर देती है. नेक्स्ट है बिलबिल्स. ठीक है, एग्जाम्पल इसका अगेव एंड पाइनएप्पल, जिसको हम लोग अनन्नास भी बोलते हैं. ठीक है, ये इसमें देखने के लिए मिलेगा. इन ऑक्सिलिस दे आर बॉन्स ओवर द बेस ऑफ फ्लैशी रूट्स. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं. बिलबिल्स में अगेव, पाइनएप्पल, अनन्नास जिसको बोलते हैं, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं. इसी तरीके से इसकी नेक्स्ट जनरेशन आती है. नेक्स्ट टूरियंस. टूरियंस एक नेचुरल मेथड्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पार्ट्स है. ठीक है, टूरियंस आर फाउंड इन अ नंबर ऑफ वाटर प्लांट. ठीक है, वाटर प्लांट में आपको देखने के लिए मिलेगा. इसका एग्जाम्पल है पोटेमोगेटन एंड यूट्रिकुलेरिया. इसका एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में यही आएगा. आपको फिगर दिखाया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस मेथड का है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, किस मेथड का है, नेचुरल मेथड्स का है या फिर आर्टिफिशियल मेथड्स का है. नेचुरल मेथड्स में कौन सा मेथड है, रूट्स है, अंडरग्राउंड है, या फिर एरियल स्टेम है, लीव है, बल्बिल्स है, या फिर ट्रियंस है, या आपको एग्जाम में पूछने के लिए आएगा. एग्जाम्पल का फोटो आपके सामने होगा, आपको चूज करना पड़ेगा. नेक्स्ट है आर्टिफिशियल मेथड, जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पार्ट है. ठीक है, आप लोगों में से किसी को भी गार्डनिंग का शौक हो तो वो कटिंग के ज़रिए से, लेयरिंग के ज़रिए से, ग्राफ्टिंग के थ्रू, माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू प्लांट का रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस करते हैं. फर्स्ट पॉइंट आता है कटिंग का. ठीक है, तो कटिंग हम लोगों को रूट कटिंग, ठीक है, जड़ को काट कर, या फिर स्टेम कटिंग या लीप कटिंग करके हम लोग प्लांट को रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो कटिंग असल में है क्या ये पढ़ लेते हैं. कटिंग आर कट पीस ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. ठीक है, रूट्स, स्टेम या लीव्स के पार्ट को कट करके विच आर प्लांटेड इन नर्सरीज. ठीक है, जो कि वो नर्सरीज में प्लांटेड किया जाता है, लगाया जाता है. फॉर दिस रूट प्रमोटिंग केमिकल आर यूज. ठीक है, जब कोई भी कटिंग करता है तो उसको केमिकल की ज़रूरत होती है, और वो केमिकल कौन से होते हैं, IBA, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड. ठीक है, NAA, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड. ये दो केमिकल जो भी कटिंग करने का प्रोसेस करता है तो ये दो केमिकल को यूज़ करता है, उसके बाद वो उसमें कटिंग को यूज़ करता है. कटिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, हम लोग लीव कटिंग कर रहे हैं. ये स्टेम भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है. ठीक है, अ पार्ट ऑफ ए स्टेम इज कट
and the cut and grow into new plant when placed in moist soil. ठीक है, जब हम उसे moist soil में प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं, तब जाके वो कटिंग होना चालू, मतलब कटिंग का प्रोसेस होना चालू हो जाता है. एग्जाम्पल इसके मैंगो है, गुआवा है, लीची है, लेमन है, यहाँ तक कि रोज़ भी है इसका एग्जाम्पल. ठीक है, तो कटिंग इसी तरीके से सेम इसी तरीके से करी जाती है. ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये बिल्कुल सेम कटिंग का ही पार्ट है. तो आपको सिर्फ रूट कटिंग, स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग में सिर्फ आपको एग्जांपल याद रखने हैं. रूट कटिंग में जैसे कि हम लोगों का लेमन है, ऑरेंज है, ब्लैकबेरी है, रसबेरी है. स्टेम कटिंग में हम लोगों को एग्जांपल याद रखना है रोज़ है, शुगर केन है, ठीक है, ग्रेप्स है, कॉफ़ी है. इसके लीफ कटिंग में हम लोगों को एग्जांपल याद रखना है, ठीक है, बेगोनिया है या फिर ब्रायोफाइलम है. हम लोगों को सिर्फ इसके एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल के थ्रू ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं. नेक्स्ट है लेयरिंग. लेयरिंग किस तरीके से की जाती है, ठीक है, तो द स्टेम ऑफ अ प्लांट इज बेंड डाउन अंटिल इट टच द सॉइल. ठीक है, प्लांट की जो मेन स्टेम होती है उसको नीचे झुका दिया जाता है और सॉइल में टच कर दिया जाता है, सॉइल में लगा दिया जाता है, और फिर वहीं से स्टेम जो सॉइल के अंदर है वहीं से एक प्लांट निकलना चालू हो जाता है. द स्टेम इज देन कट, और उस स्टेम को काट दिया जाता है. वंस इट डेवलप्स रूट्स एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स, और वहीं से वहाँ उधर रूट्स ग्रो होने लगती हैं, वहीं से एक नया प्लांट स्टार्ट हो जाता है निकलना. ठीक है, इसका एग्जांपल लेमन में आपको देखने के लिए मिलेगा. अगर आप लोग लेमन के स्टेम को अगर आप ज़मीन में लगा दें, ठीक है, ज़मीन के अंदर सॉ कर दें, या फिर उसको लेमन फिर उसको काट दें, काटने के बाद आपको लेमन का प्लांट निकलना देखने को मिलेगा. ठीक है, सेम इसी तरीके से रोज़ में भी यही सिस्टम होता है, बिल्कुल यही प्रोसेस चलेगा. रोज़ में भी, जैस्मीन में भी यही प्रोसेस होता है, चमेली. ठीक है, तो किस तरीके से होता है, अगर इमेज करिए कोई एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, और वो उसका मेन स्टेम, अगर हम लोग मेन स्टेम यहाँ से सॉइल में लगा देते हैं. सॉइल में क्या करा हम लोगों ने, लगा दिया सॉइल में, लगा दिया, और सॉइल में लगाने के बाद वहीं से हम लोग उसको कट कर दें. ठीक है, यहाँ हम लोग कट कर देंगे, सॉइल के अंदर आ जाएगा, और सॉइल के अंदर आने के बाद क्या होगा, वहीं अपना वो रूट ग्रो करने लगेगा. ग्रो करने के बाद वहाँ से एक अपना प्लांट वो स्टार्ट कर लेगा, सेम यही प्रोसेस होता है लेमन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, रोज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा, और जैस्मिन के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा. इसके एग्जांपल आप लोगों को याद रखना है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, एग्जांपल बेस्ट है, एग्जांपल याद रखना है. क्वेश्चन आता है एग्जांपल के ऊपर ही आपको क्वेश्चन पुटअप होते हैं सारे के सारे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ग्राफ्टिंग. ठीक है, ग्राफ्टिंग एक प्रोसेस है, किस तरीके से ग्राफ्टिंग की जाती है, किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है प्लांट को. ठीक है, द टेक्निक ऑफ जॉइंग पार्ट ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स. ठीक है, दो अलग अलग प्लांट होना चाहिए, उनके दो पार्टों को ज्वाइन कराने का यह एक टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड द ग्राफ्टिंग. सो दे ग्रो एज वन प्लांट. ठीक है, फिर वो क्या होता है, एक प्लांट में वो ग्रो करने लगता है, दैट इज कॉल्ड द ग्राफ्टिंग. द पार्ट ऑफ द ग्राफ्ट दैट रिमेन इन द सॉइल. ठीक है, जो कि एक सॉइल के अंदर जो पार्ट रह जाता है दैट इज कॉल्ड द स्टॉक, और जो सॉइल के ऊपर हम लोग दूसरे में अटैच करते हैं. वाइल द पार्ट विच इज ग्राफ्टेड, जो कि ग्राफ्टेड किया जाता है, इस टर्म इज द साइंस. ठीक है, उसको साइंस बोलते हैं. तो किस तरीके से ग्राफ्टिंग की जाती है मैं आपको दिखा देता हूँ, किस तरीके से ग्राफ्टिंग होती है. ठीक है, इमेज करिए कोई भी एक प्लांट है, ठीक है, उसको यहाँ बीच से हम लोग कट कर लेते हैं. ठीक है, कट कर लिया, और दूसरे प्लांट में हम लोग उसको अटैच कराते हैं, दूसरे पार्ट में हम लोग उसको ग्राफ्टेड करते हैं. ठीक है, हम लोगों ने उसको दूसरे प्लांट में ग्राफ्टेड कर दिया.
ग्राफ्टेड किया। ग्राफ्टेड करने के बाद अब ये जो दो पार्ट हैं ऊपर के जो दो पार्ट होते हैं, एक ग्राफ्टेड करने वाला पार्ट, ओके, दैट इज कॉल्ड द साइंस। नेक्स्ट है नीचे वाले जो तो पार्ट होते हैं जो कि सॉइल्स के अंदर होते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द स्टॉक। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ्टिंग की जाती है। कोई भी एक प्लांट है उसको कट कर लिया, ऊपर वाले पार्ट को दूसरे प्लांट में ग्राफ्टेड कर दिया। ग्राफ्टेड करने के बाद जो ग्राफ्टेड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द साइंस, ठीक है, और जो नीचे सॉइल्स के अंदर जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द स्टॉक। यही ग्राफ्टिंग का मेथड होता है। नेक्स्ट है बर्ड ग्राफ्टिंग। ठीक है, बर्ड ग्राफ्टिंग में कौन कौन से एग्जाम्पल इसके हैं, एप्पल है, पीच है या फिर रोज, ठीक है, इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं बर्ड ग्राफ्टिंग। ठीक है, उसमें बर्ड निकलना, उसके बाद उसकी ग्राफ्टिंग करना, दैट इज कॉल्ड द बर्ड ग्राफ्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कल लेकर आऊँगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कल फुल डिटेल में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.